आपने खुद ही देखा है जम्मू का जो पुराना शहर जिसको हम सब, आपने देखा कि कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा दुकानदार, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर आपको नहीं दिखी होगी जिन्होंने इस लोहड़ी पे भव्य स्वागत, ना सिर्फ भव्य स्वागत किया बल्कि साथ साथ में आपने देखा जिस तरह ढोलक की थाप पे वो नाच रहे थे। यहाँ से क्लियर कट एक मैसेज है कि जम्मू अपनी धरोहर को बचाने के लिए सक्षम है और जम्मू का डोगरा जो है अपने सभी त्यौहारों को इसी तरह से रल मिलकर जात पात बरादरी और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे जितने भी डोगरों के कार्यक्रम और त्यौहार है वो मनाते रहे। जम्मू के डोगरों के लिए हर वर्ष की तरह ये पहली बार नहीं है, ये ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर है। सभी जम्मू के खासकर नौजवानों के लिए यही संदेश है कि आप ये जो नया वर्ष है इसमें फले फूले आगे बढ़े लेकिन अपनी माँ बोली डोगरी, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज जो है ना भूलें। इसको विरासत में बुजुर्गों की दी हुई देन को समझकर जिस तरह बाकी कम्युनिटीज, बाकी लोग, बाकी राज्यों के लोग अपने पर्वों को बड़े जोर शोर से मनाते हैं, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर जिस डोगरा पर्व पर छुट्टी ना भी हो तो मैं सभी माता पिताओं से ये अपील करूँगा उस दिन बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी रखकर अपने जो पर्व हैं उनका एहसास कराना चाहिए और उनमें खुशियां बांटनी चाहिए।